रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समिया अवकाश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद समिया। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी केक। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैदा 1 कप, टूटी फ्रूटी 1/2 कप, वनीला एसेंस चंद ड्रॉप चाहिए हमें, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 2 अंडे, चीनी 1 कप। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे पैन, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, तो ब्रश के साथ ग्रीस कर लें। अब इसमें लगाएंगे बटर पेपर, अब हम टूटी फ्रूटी पे ये मैदा डस्ट करते हैं ताकि हमारी अंदर नहीं बैठे ये देखिए, इससे हमारी टूटी फ्रूटी नीचे नहीं बैठेगी। ये चले जी, अब हम करते हैं बैटर तैयार। किसी के पास ये बीटर मशीन इस तरह की किसी के यहाँ नहीं भी होती तो हम लोग ग्राइंडर में बनाते हैं, इसके साथ आज नहीं बनाएंगे। इसको हम लोग कर देते हैं एक साइड पे और ग्राइंडर लेते हैं। ऑयल लूँगी सबसे पहले और इसको ग्राइंडर में डाल देंगे। आज मैं आप लोगों को ग्राइंडर में सिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग डाल देंगे अंडे, 2 अंडे, चीनी डालेंगे 1 कप, इसमें अब डालेंगे हम लोग नीला एसेंस तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स। ये देखिए, एक चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर। केक में बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं हमें इसे ग्राइंड करते हुए। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। हम इसको निकाल देंगे एक बोल में। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी हम लोग ऊपर गार्निश के लिए रख देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप मैदा, मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एकदम से आप बेकिंग एकदम से आप ये नहीं डालेंगे मैदा, वरना आपका ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। देखें, मैंने भी आधा आधा करके डाला है।
ये हमारा लास्ट में थोड़ा सा रह गया, अब ये भी डाल दें। चलिए जी, ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ अब हम इसको डालते हैं इस पैन में। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसी फॉर्म में हमें चाहिए। अगर आप लोगों का थोड़ा सख्त हो जाए तो आप लोग इसके अंदर दूध मिला सकते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको डालते हैं पैन में। ये देखिए इस तरह आपने एक दफ़ा इस तरह पकड़ के टैप इस तरह करना ताकि ये सही हमेशा बन जाए। हम लोग देगची में बना रहे हैं, तो मैंने एक देगची रख दी है ऊपर। चूल्हा मैंने 5 मिनट पहले हल्की आंच पे चला दिया था। अब इसमें आप लोग चाहे तो प्लेट रख दें या इस तरह का आप एक सांचा रख दें। इसके बाद इसमें आप ये रख दें अपना केक, देखिए, और इसको इसके साथ ढाँप दें। और इसको हम लोग छोड़ देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, और 25 से 30 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा केक कैसा तैयार हुआ है। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं, टूथपिक से चेक करें। देखिए हमारा केक रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, उसको 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए चलें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।